भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 मैच रोमांच से भरपूर साबित हुआ। बेंगलोर के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में सुपर ओवर से भारत को जीत मिली। मैच में एक नहीं बल्कि दो दो सुपर ओवर हो गए। पहले सुपर ओवर में जब स्कोर बराबरी पर रहा तो दूसरे सुपर ओवर में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने एक ऐसी चाल चली कि सिर्फ दो गेंद में ही मैच खत्म हो गया। दरअसल दूसरे सुपर ओवर में भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 11 रन ही बनाए और बेंगलोर के चिन्ना स्वामी मैदान पर ये स्कोर डिफेंड करना काफी मुश्किल था। ऐसे में रोहित शर्मा ने गेंदबाजी के लिए दो विकल्प सामने रखे। उन्होंने पहला विकल्प आवेश खान का रखा जबकि दूसरा ऑप्शन उनके पास रवि बिश्नोई थे। रोहित शर्मा पहले आवेश खान को गेंदबाजी देने वाले थे लेकिन अचानक भारतीय कप्तान ने अपना फैसला पलट दिया। रोहित शर्मा ने आखिरी मौके पर रवि बिश्नोई को गेंदबाजी करने के लिए कहा। रवि बिश्नोई कप्तान रोहित शर्मा के भरोसे पर खरे भी उतरे। रवि बिश्नोई को टीम इंडिया को जीत दिलाने में महज 3 गेंदें ही लगी। पहली गेंद पर उन्होंने मोहम्मद दबी को आउट कर दिया और तीसरी गेंद पर गुरबाज को आउट कर उन्होंने मैच ही खत्म कर दिया। मैच के बाद जब रवि बिश्नोई से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सुपर ओवर करते समय वो काफी दबाव में थे। रवि बिश्नोई ने कहा, दबाव था, दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन मुझे पता था मैं क्या करने जा रहा हूँ। मुझे कप्तान रोहित शर्मा ने कहा था कि मैं गेंदबाजी करूंगा। मुझे पता था कि अगर मैं बैक ऑफ द लेंथ फेंकूंगा तो उनके लिए आसान नहीं होने वाला है। बैकफुट पर स्मैश करना उनके लिए काफी मुश्किल होगा। रवि बिश्नोई ने आगे कहा, सुपर ओवर के दौरान रनों को बचाव करने में बहुत मजा आता है। जिस तरह से गेंद मेरे हाथ से निकल रही थी मैं उससे खुश हूँ, इसलिए मैं अपनी गेंदबाजी में लगातार वेरिएशन करता रहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही तरह की डिलीवरी न डालूं। मैंने नेट्स और घरेलू स्तर पर अपनी लेग स्पिन पर काफी काम किया है। रोहित शर्मा ने अचानक रवि बिश्नोई को क्यों गेंदबाजी सौंप दी, इसकी वजह मैच के बाद हेड कोच राहुल द्रविड़ ने बताई। राहुल द्रविड़ ने कहा, रोहित ने अपने दिल की बात को मानते हुए रवि बिश्नोई को सुपर ओवर में गेंद दी थी। रोहित का मानना था कि छोटे लक्ष्य को बचाने के लिए स्पिनर ही दो विकेट ले सकता है। राहुल द्रविड़ ने कप्तान की तारीफ करते हुए कहा कि रोहित शर्मा का यह फैसला कमाल रहा और इंडिया इस मैच को जीत गया।